आई गिव यू राइट नाउ 50 करोड़ रुपीस ठीक है अभी मैं तुरंत यू वांट मोर हम नहीं आई एम सेइंग 50 करोड़ इज मोर ओके सो क्या तो सी 50 करोड़ मैंने आपको दिया अभी यूपीआई ट्रांसफर मार रहा हूं मैं यूपीआई में एक बार में जा यूपीआई में 1 लाख की लिमिट है हां एग्जैक्टली सो मैं भेज दिया ठीक है आपको डाल दिया 50 करोड़ भाई इतनी दिक्कत होती है पता है 1 लाख की लिमिट है ना सीधी प्रॉब्लम इज दिया आप अभी बनाओ स्टार्टअप बैठ के मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम दिख गया एक बार में नहीं जाती भाई स्टार्टअप क्यों भाई अब तो क्रिप्टो ट्रांसफर तो ओके भाई पता है मतलब मेरे को लेजिट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार मतलब आई एम रेडी टू साइन अ पिटीशन कि 1 लाख से एटलीस्ट 10-12 लाख तो करो यार इसको 10 लाख तो करो एटलीस्ट नीड है देयर इज अ नीड सो मैंने आपको 50 करोड़ दे दिया ठीक है नाउ पहला व्हाट विल यू डूइंग विद दिस 50 करोड़ And how will you be managing? और आपको क्या लगता है this 50 crores? Will you be making? Of course, you will be trying to make it more. But कैसे करोगे? क्या है? What is your take on this 50 crores? अगर आज के 50 crores है. अभी मिल गया आपको 50 crores. तो अभी से इससे मैं ये question क्यों पूछा? सबसे पहले इसको answer से क्यों पूछा? Because अभी जैसे 50 crores was an example. अभी जैसे as a student लोग देख रहे होंगे, जो देखेंगे, so they will be maybe getting a suppose a example a prize money of 10,000. ठीक है सो कोई बंदे होंगे भैया हम जा रहे हैं फोन लेने हम जा रहे हैं लैपटॉप लेने हम जा रहे हैं ये करने ठीक है भाई 10,000 में कौन सा लैपटॉप आ रहा है दैट वाज एग्जांपल सो उनका फोन लेना है दे विल टेक अ फोन आल्सो 10,000 में एयरपॉड्स भी नहीं आते आजकल एग्जैक्टली सो अभी वो कैसे अब मानो किसी को यू वांट अ नेशनल अवार्ड ऑफ 1 लाख रुपीज अभी आप इसको कैसे सैचुरेट करोगे नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में दिस वुड बी कि हां ठीक है अभी यार मेरे को एक्सपेंसेस करना है मेरे को ये करना है टू शो ऑफ दिस दैट दिस 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 So was it is it that correct या उसको कैसे manage तो how will you manage यार देखो show off का तो मैं पहले ही बता दूं कि I am not a very show off kind of person देखो मेरा life में पता है क्या है मैं show off कर ही नहीं सकता legit क्या गाड़ी में खरीदूंगा I can't drive because of the vision problem I have मैं drive कर ही नहीं सकता life में तो मैं कभी drive कर ही नहीं पाऊंगा तो मेरा ये है कि गाड़ी में तो पैसे फूकेंगे नहीं मेरे कभी life में तो मेरी एक गाड़ी होगी बड़ी सी अच्छी एक ड्राइवर होगा बस तो ज्यादा गाड़ियां तो मैं रखूंगा नहीं कोई बहुत सुपर कार्स और ये सब घर में मेरा ये है कि घर में मेरा ऐसा मानना है कि मैं प्रॉपर्टी ऐसी बाय करूंगा जो कि रेंट पे जा सके राइट कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेसिकली जिनकी 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 कमर्शियल यील्ड ज्यादा हो रेंटल यील्ड ज्यादा हो तो बहुत सारे बड़े बड़े बंगले हैं क्योंकि बड़े बंगले में दिक्कत भी है कि यार इतना बड़ा घर साफ करने में भी दिक्कत है संभालने में भी दिक्कत है एंड मेरा ऐसा है कि मेरे को ज्यादा कमरे में बंद रहना पसंद है ज्यादा बाहर लोगों से मिलना जुलना भी पसंद तो बहुत ज्यादा मेरे को ट्रैवलिंग का भी सीन नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा लाइफ में बट कम करूंगा मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर दूसरे दिन प्लेन लेके कहीं वहां पहुंच गया 3-4 महीने में एक वेकेशन इज गुड तो आई फील कि शो ऑफ नहीं शो ऑफ इज नॉट समथिंग विच आई रिकमेंड ठीक है बिकॉज अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि शो ऑफ का कोई मतलब नहीं है भाई जो लोग अपनी उसे वो होते हैं ना सैटिस्फाइड होते हैं ना वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते राइट और जहां तक रही 50 करोड़ उसकी बात है यार देखो 50 करोड़ यार मेरे को ना रिस्क बताना पड़ेगा कि मैं किसी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या तू सिर्फ मुझे दे रहा है कि भाई तेरे को जो उसका करना है कर याद से तेरे पैसे तुझे, मैं सिर्फ तुझे दे रहा हूँ यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस5 करोड़ डेट में करूं और 20 करोड़ में इक्विटी में करूं क्योंकि मैं अभी बहुत यंग हूं आई कैन अफोर्ड बल्कि मैं 25 करोड़ पूरा का पूरा भी इक्विटी में कर सकता हूँ देख मैंने वो पैसे कमाए नहीं है और वो पैसे अगर 0 भी हो गए तो मेरे को दुख नहीं है राइट तो आई कैन अफोर्ड टू पुट एटलीस्ट 25-30 करोड़ इन दैट और मेरा ये है कि यार 10-12 करोड़ आई विल ट्राई टू कि मैं एटलीस्ट उससे कुछ अच्छा कर सकूं तो डोनेट तो आई वोंट से बट आई विल ट्राई कि मैं उससे कुछ ऐसा सेटअप कर सकूं जिससे सबका भला हो सकता है कोई एक एजुकेशनल ट्रस्ट खोल दूं बिकॉज आई एम समवन हु इज वेरी मच इनटू एजुकेशन तो मेरे को ना मतलब आई वॉन्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री टू स्टडी मोर तो अगर मैं कभी किसी भी फॉर्म के डोनेशन भी करूंगा ना या करता भी हूँ तो आई सी कि या तो किसी को खाना मिल जाए या तो किसी को एजुकेशन मिल जाए बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग जो इंसान के साथ हमेशा लाइफ टाइम टिकेगी देख
खाना खा के इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक है। मैंने आज अगर किसी को खाना खिला दिया तो वो जिंदा रह जाएगा, बट अगर मैंने किसी को एजुकेशन दे दी ना तो उसके पास एक स्किल आ जाएगी जिसकी वजह से वो खुद पैसे कमा सकता है, वो खुद इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो थोड़ा सा आई वुड लाइक टू डोनेट, और उसके बाद आई डू प्योर वेंचर कैपिटलिज्म, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल में आई गो। तो आई ट्राई कि मेटलीस 10-12 करोड़ आई ट्राई टू पुट इन स्टार्टअप्स, आई ट्राई टू फंड स्टार्टअप्स, ताकि 20-25 करोड़ मेरे पास हैं जो जिससे कि आई कैन मेक गुड मनी इक्विटी में इन्वेस्ट करके, कंपाउंडिंग से आई कैन मेक ह्यूज मनी। एंड देख मैं 12 करोड़ अगर एक एक करोड़ 12 स्टार्टअप्स को भी देता हूँ, ठीक है, 12 स्टार्टअप में से, चल 12 स्टार्टअप में से अगर एक भी चल गया ना तो वह 1 करोड़ 100 करोड़ बनने में टाइम लेगा, राइट? ठीक है, राइट। तो इसीलिए स्टार्टअप जैसे एज वी सॉ इन नाइका, केस ऑफ नाइका, पूरा पूरा पेटिंग वाज एन एक्सेप्शन। चलो ठीक है, ओके ठीक है, ये बहुत सही था कि हाउ ही विल बी मैनेजिंग। सो इससे अपनी नोट्स बनाओ कि 50 करोड़ तो नहीं मिलेगी, मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को, बट इफ यू गेट एनी हाउ मनी हाउ विल यू बी मैनेजिंग। सो यहाँ से मैनेजिंग ऑफ मनी का एक कॉन्टेक्स्ट मिला हमें। यार बस मैं ना सबको एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हो सकता है तुम्हारी कुछ भी आइडियोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि यार मेरी एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी कि यार एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी, स्किल्स होनी चाहिए लोगों में अच्छी, तो प्लीज ट्राई कि थोड़ा सा यू ट्राई टू हेल्प अदर्स। तो हो सकता है अगर कहीं भी डोनेशन करना चाहो डोनेशन कर दो, या अगर तुम किसी को पढ़ा सकते हो, या अगर किसी को रोक, अगर तुम्हें कोई अच्छी बातें पता है ना, अगर किसी को रोक के, मतलब ऑब्वियसली सड़क पे मत रोकना, बट अगर किसी अपने जूनियर की हेल्प कर दो, या किसी अपने दोस्त को बता दो कि यार बिठा के कि यार लाइफ में ये अच्छा कर ले, अगर तुम्हें लगता है कि कोई गलत राह पे है, हो सकता है कि कोई लाइफ में गलत डिसीजन ले रहा हो कैरियर को लेके, तो उसको बैठ के अगर तुम समझा भी दोगे ना तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि देखो डोनेट करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, और मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर रहा कि डोनेट करो यहाँ वहां पे, बट अगर तुम किसी की एजुकेशन फंड कर सकते हो या एजुकेशन को वैल्यू कर सकते हो ना, किसी के दिमाग में एजुकेशन ला सकते हैं, तो मतलब इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इसको अगर शॉर्ट में बोले तो इफ यू नो समथिंग, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फंड समबडी, बट इफ यू नो समथिंग कि यू आर गुड एट दैट, इफ सपोज मेरे से पूछे तो आई एम गुड एट पेंटिंग, सो आई विल ट्राई टू टीच माय जूनियर, कि अगर उससे उसका बन रहा है कुछ, इफ यू लाइकिंग दैट, अगर वो इज नॉट एबल टू टेक अ पेंटिंग क्लासेस, सो आई विल टीच हिम इन फ्री, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। हां इफ यू हैव टाइम एंड चलो फ्री, मतलब फ्री में पढ़ाने की भी नहीं बात कर रहा हूं भाई, तुम एक 10 मिनट की कॉल तो शेड्यूल कर सकते हो अपने जूनियर्स के साथ, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या ऐसा कोई है जिसको हेल्प की जरूरत है, वो तुम्हारा कोई जूनियर है, हो सकता है कोई घर पर, चलो तुम जूनियर वूनियर छोड़ो यार, बाहर के लोग, हो सकता है घर परिवार में कोई छोटा बच्चा हो, तुम 12th में 12th पास किए तुमने, हो सकता है तुम्हारा कोई 8-9 का छोटा भाई कजन वजन हो, मामा चाचा का लड़का कोई हो, तो उसको बिठाओ उससे बात करो, क्योंकि देखो वो अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस से सीख गया ना तो उसका फ्यूचर हो सकता है संभल जाए, और भाई जब लोगों का फ्यूचर संभल जाएगा ना तो भाई ये देश बहुत आगे जा सकता है। पता है बोलते हैं ना तीन ईज होती है इकोनॉमी, तीन ईज होती है कंट्री की, इकोनॉमी एनवायरनमेंट और एजुकेशन, मैं तो बोलता हूँ एक ही ई होता है एजुकेशन, बिकॉज एक जो एजुकेटेड पर्सन है ना वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेगा और वो इकोनॉमिक्स भी समझेगा, वो इकोनॉमी में भी एड अप करेगा। अगर तुम लोगों को एजुकेट कर दोगे ना तो उनके अंदर वो इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएंगे और एनवायरनमेंट की भी वो करेंगे। एग्जैक्टली इसी वजह से बोला ना, तो एजुकेट हो गए ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बनेगा, पैसा आएगा, पैसा आया एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करोगे, बिकॉज यू वांट टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट, आप ऐसी खराब एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे, यू विल क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट इन दैट। एग्जैक्टली सो दैट इज टोटली इंटरकनेक्टेड, सो दैट वाज द पॉइंट यहां पे, ठीक है।